हाँ तो गाइज कैसे हो। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा BGMI में हम जीमेल अकाउंट को लिंक कैसे कर सकते हैं। तो गाइज बहुत बार ऐसा होता है, अगर हमारा फेसबुक से लॉगिन होता है तो हमारा फेसबुक जो अकाउंट है वो क्या तो हैक हो जाता है या ऐसा होता है कि हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है एक अकाउंट में। अगर हम अपने जीमेल अकाउंट को लिंक करते हैं तो हम अपनी आईडी को जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। तो गाइज किस तरीके से हम लिंक कर सकते हैं जीमेल आईडी को, स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को कंप्लीट देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको जरा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि इसी तरीके की आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको देखने के लिए मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे हमें तीर पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें सेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो हमारी सेटिंग इस तरीके से ओपन हो जाएगी और सबसे ऊपर में ही हमें अकाउंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे हमारी फेसबुक पहले से ही ऑलरेडी लिंक है और यहाँ पे हमें प्लस का आइकन देखने के लिए मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। क्या तो हम ट्विटर से भी लिंक कर सकते हैं दूसरे अकाउंट को, यानी कि अगर हमें गूगल अकाउंट से लिंक करना है यानी कि जीमेल से करना है तो हमें जीमेल पे क्लिक कर देना है। तो मैं आपको जीमेल से बताऊंगा किस तरीके से हम लिंक कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमें वो जीमेल आईडी लिंक करनी है जो भी हमारी BGMI में लिंक नहीं है। तो ये मेरी ऊपर वाली जो आईडी है ये ऑलरेडी लिंक है, तो हमें इस तीर पे क्लिक करना है। तीर पे क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं मेरी दो जीमेल आईडी और नीचे भी हैं, तो मैं नीचे वाली को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ से हमें एक लोगो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हम अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक लोगो सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट करने के बाद में हमें क्रिएट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एक इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी और यहाँ से हमें यह अलाउ करनी है। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारी जो जीमेल आईडी है वो इसमें लिंक हो जाएगी। यहाँ से हमें ओके पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो गूगल अकाउंट है वो यहाँ पे लिंक हो चुका है। इसी तरीके से आप भी गूगल अकाउंट से लिंक कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।